ਸਾਬਕਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕਪਤਾਨ ਟਿਮ BBL ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਟੈਸਟ ਕਪਤਾਨ ਟਿਮ ਨਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਲੀਗ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਕੋਚ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਐਸਰ ਨੂੰ ਕੋਚ ਜੇਸਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਅੰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਬਾਰੇ। नीरज ने पैरिस ओलंपिक के लिए किया क्वालीफाई, विश्व चैंपियन के फिनाले पहुंचे। नीरज चोपड़ा ने शुक्रवार को इत्थे विश्व चैंपियनशिप मुकाबले के फिनाले पहुंचने की अपनी पहली कोशिश 88.77 मीटर की थ्रो सुटिया। 2024 पैरिस ओलंपिक के लिए क्वालीफाई भी कर लिया है। चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक चैंपियनशिप के कैरियर का चौथा सर्वोत्तम थ्रो सुटिया है। वह क्वालीफाइकेशन राउंड ग्रुप ए दे विच सन। गल करांगे अगली खबर बारे। प्रग्या आनंद हराया अते पहली बारी जितया विश्व कप शतरंज का खिताब। भारत का 18 साल ग्रैंड मास्टर आर प्रग्या आनंद इतिहास रचन तो रह गया। उसने फिडे विश्व कप शतरंज 2023 के फिनाले वीरवार को नॉर्वे के मैक्सन नू हारन मगरों चांदी तगमे के नाल सबर किया। दो दिन के विच दो मुकाबले ड्रॉ होने तो बाद चोटी का दर्जा प्राप्त करने वाले ट्राई ब्रेक की पहली गेम के विच काले मोहरियां दे नाल खेडते हुए भारतीय खिडारी नू ड्रॉ ते रोक लिया।